सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल इन वन अरिहंत की जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश की बुक आई है इस बार 2024 फॉर CBSE एग्जाम 2024। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या फीचर्स हैं और ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख जाएगा ऑल इन वन, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर CBSE क्लास 10, यहाँ लिखा रहेगा, है ना? ठीक। तो इसके बाद इसमें कुछ लाइंस लिखी हैं, पढ़ते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर ऑल थ्री सेक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बोर्ड्स, NCERT एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट इन ईच चैप्टर एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। मतलब इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी है इसमें, है ना? तो CBSE एग्जाम 2024 के लिए है। एज पर रेशनलाइज्ड NCERT एंड CBSE सिलेबस 2023-24, मतलब ये एकदम लेटेस्ट सेशन के लिए है ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10। इसके जो ऑथर हैं वो हैं सृष्टि अग्रवाल एंड वैशाली जायसवाल। तो इन दोनों ने मिलकर के ये बुक प्रिपेयर की है। और फिर इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो इसकी प्राइस है 540 रुपीज़। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अमेजोन का, जहाँ से मैंने ये परचेज की है। तो अगर आपको लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हो। ये देखो, ये आप 1080p में करके देखोगे तो आपको सब एकदम अच्छे से दिखेगा। ये आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू ऑल इन वन, विनिंग फीचर्स, रेशनलाइजेशन इन द कंटेंट ऑफ NCERT बुक्स। ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन। इसमें तीन सेक्शन है, जहाँ वहाँ पर लिखा था कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल थ्री सेक्शंस, है ना? जिसमें है रीडिंग, फिर है राइटिंग एंड ग्रामर, फिर है ग्रामर, है ना? मतलब एक है रीडिंग और बी में है राइटिंग एंड ग्रामर, तो राइटिंग और ये ग्रामर, है ना? सी में आता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। मतलब जो आपके दो बुक हैं, जैसे कि है बिहार, वो क्या नाम है, दो बुक हैं आपकी, द फर्स्ट फ्लाइट और एक और है द फर्स्ट फ्लाइट और एक आपकी है वो वाली बुक, मतलब स्टोरीज वाली सप्लीमेंट्री रीडर बुक, तो उसमें है। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको दिख जाएगा द आ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट है, वो है मतलब फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का। जिसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा समरी ऑफ द चैप्टर, उसके बाद मिल जाएगा आपको NCERT फोल्डर, NCERT के सारे सॉल्व क्वेश्चंस, फिर मिलेगा आपको एग्जाम प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस। मतलब उसमें एक क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे एक चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डिटेल्ड आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिर रहेगा सेल्फ असेसमेंट, मतलब फिर आपके लिए खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करके देगा, उसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है नेल्सन मंडेला, ये पूरे मतलब चैप्टर्स हैं 6, 7, 5, तो ये हैं वो, मतलब 9 टोटल चैप्टर हो गए। उसके बाद आता है पोइट्री, तो पोइट्री में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पोइट्री हैं। जो आपकी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री बुक, उसमें आते हैं टोटल कितनी स्टोरीज हैं, 9 स्टोरीज हैं, है ना? फिर आता है लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर सेक्शन वाइज, राइट वेट, है ना, वेट वेट, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, लिटरेचर टेक्निक्स, है ना, रीडिंग स्किल्स। इससे पूरा ये देखिए, इसमें आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न मिल जाएगा। जैसे 20 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा, 10 का आएगा सेक्शन बी, मतलब ग्रामर आएगा आपका 10 का, फिर आएगा आपका राइटिंग स्किल्स 10 का, फिर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आएगा 40 मार्क्स का, है ना? उसके बाद आता है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स पब्लिश बाय NCERT न्यू दिल्ली फर्स्ट फ्लाइट। ये हो गई आपकी फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आते हैं इतने, 1, 2 प्रोज आ गए, पोयम आ गया। फिर 2 आती है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये आती है दूसरी बुक, है ना? उसके बाद हमारा आता है रीडिंग, ले सकते हैं रीडिंग, पैसेज दिए हैं यहाँ उनके, देखिए क्वेश्चन है पूरे, जैसे मतलब बोर्ड्स में आते हैं कि 8 वाले 12 वाले, तो वैसे ही हैं, उसमें पूरे आंसर्स भी दिए हुए हैं उनके, देख सकते हैं। पैसेज 2 है ना, ये पैसेज 3 नहीं है यार, 2 तक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो अपना सेक्शन ए है। और इस बार ना ये इंग्लिश का जो ये कलर किया गया है, इस बार इसको पिंक कर दिया गया है। पिछली बार का तो मुझे नहीं पता, पर जो 9th क्लास की थी ना, उसमें वो था मतलब रेड था उसमें, इस बार इसको पिंक कर दिया गया। ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये, और अब बात करते हैं कि ये देखिए नेल्सन मंडेला आ गया, खुल गया अपना। ये देखिए NCERT फोल्डर, तो इसमें ओवरऑल कंप्रेंशन चेक ही पूरे, और बाकी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। देखिए
थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। फिर राइटिंग, ये क्वेश्चन आंसर भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये, है ना। तो मतलब इसमें ये बहुत अच्छी बुक है, और इस बार ये जो बुक बनाई गई है ना, ये बहुत मोटी बनाई गई है, मेरा नाम भी लिखा साइड में, ये बहुत मोटी बुक बनाई गई है। इसके मैं आपको टोटल पेजेस दिखाता हूँ, 592, मतलब 592 पेजेस इंग्लिश के, ये इस बार मतलब ज़्यादा ही हो गया, तो 400 टू 500 ही में हो जाता है। तो देख सकते हैं ये बुक एकदम न्यू है, और मतलब एकदम नई एडिशन की है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, अगर आपको लगे कि हाँ कमेंट करना चाहिए। और बस हो गया, मेरे पास बुक थी तो मैंने दिखा दिया आपको, होगा तो ये आप फिर से प्राइस बता दूँ, 540 रुपीज़ है इसका प्राइस। और इसमें मैंने कवर आते ही चढ़ा लिया था, मतलब जिस दिन आई थी मैंने ये, और मैंने ये सोशल साइंस की याली और SST की, ये मैंने एक साथ मंगाई थी ये दोनों, है ना। उसके बाद मैंने ये मंगाई थी दिनेश की, मेरे पास ये फिजिक्स है, मेरे पास केमिस्ट्री और बायो भी मंगा चुका हूँ। तो इस वीडियो में इसको कवर कर लिया, अगली वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सोशल साइंस भी देखनी कैसी आई है इस बार 2024 एडिशन, ये देख सकते हैं 2024 एडिशन कैसी आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेगा इसी की आएगी, और उसके बाद ये साइंस की आ जाएगी अपनी, है ना। तो चलिए बस हो गया, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, फिर ये वाली बुक का आपको दिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।